हेलो दोस्तों, इंडियन पोस्ट ने निकाली सीधी भर्ती GDS 44,228 पदों पर। दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि भारतीय डाक विभाग ने देश भर के बेरोजगार 10वीं 12वीं पास महिलाओं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों पर वैकेंसी किया जा रही है। दरअसल हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पोस्ट ऑफिस GDS पदों पर सीधी भर्ती, मतलब कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें योग्य इच्छुक जो बेरोजगार महिला पुरुष अभ्यर्थी निर्धारित समय पर अवधि के भीतर भारतीय डाक विभाग के वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बता दूँ कैसे आपको इसमें कैसा सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा में होगा या मेरिट सूची के आधार पर होगा, ये जानकारी आपको कितना वेतन मिलेगा ये जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं इसमें जो पदों की संख्या है, जैसे कि कितना इंडिया में कितना पोस्ट निकला है टोटल, आपको बता दूं यहाँ पर जो डाक सेवक है इसमें 44,228 पद निकला है टोटल कुल पद। ठीक है, जिसमें आपको राज्य का नाम आपस मिल जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपका 3,084 पद निकला है। ठीक है, उत्तराखंड में आपका निकला है 519 पद। ठीक है, बिहार में निकला है आपका 2300 पद, छत्तीसगढ़ में निकला है 721 पद, दिल्ली में निकला है 22। ठीक है, राजस्थान में निकला है आपका 2031 पद। ठीक है, हरियाणा में निकला है आपका 215 पद। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पास हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका निकला है टोटल 418 पद। अब जम्मू कश्मीर निकला है 300, अब झारखंड में निकला है 530, मध्य प्रदेश में निकला है 1565, केरल में निकला है 1508, पंजाब में निकला है 336, महाराष्ट्र में निकला है आपका 2154। ठीक है, आपका उत्तर पूर्वी में निकला है 500, उड़ीसा में निकला है 1779। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबका कर्नाटका में निकला है 1714। ठीक है, तमिलनाडु में निकला है 2994, तेलंगाना में निकला है 961। ठीक है, असम में निकला है 855। तो जो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर टोटल निकला है इतना पद निकला है, जिसमें आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर से आपका लिखा है जैसे कि योग्यता, ठीक है, 10वीं 12वीं पास आउट। ठीक है, आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूँ इसका जो वेतन मिलेगा वो वेतन रहेगा आपका कम से कम यहाँ पास 12 से स्टार्ट होता है तो 29,380 तक जाएगा, और लास्ट जैसे कि यहाँ पास डाक सेवक है जो 10,000 से स्टार्ट है वो 24,470 से है। ठीक है, यहाँ पास आपका साफ लिखा है 18 मिनिमम आपका 18 से 40 वर्ष यहाँ पास एज होना चाहिए। ठीक, एज लिमिट यहाँ पास लिखा भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास जैसे कि इसका जो शुल्क रहेगा, इस फॉर्म को हम भरते हैं तो इसका शुल्क जैसे फीस पेमेंट होता है वो आपका 100 रुपये रहता है। ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट करना है आपको 100 रुपये देना है यहाँ पास। ठीक है, ऑनलाइन जो फीस है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पास इसका लास्ट डेट कब है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका लास्ट डेट है, इसका जो जारी हुआ है कब से फॉर्म भराना शुरू हुआ है तो आपको बता दूँ 15/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज 17 तारीख है, 2 दिन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 5/8/2024, मतलब अभी कम से कम आपके पास 20 दिन टाइम है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए, इसमें आपका जो फॉर्म भरना है वो आप ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन भर सकते हैं, कैसे भरना मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पास क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पास जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका एजुकेशन, मतलब आपका जो मार्कशीट है 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार पंजीयन, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें क्या इस तरह से सिलेक्शन होगा, अब बात आता है कैसे सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा होगा या डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पास ना लिखित परीक्षा होगा ना कुछ भी होगा, सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट पर होगा। जैसे कि आप 10वीं के आपका 10वीं 12वीं में कितना परसेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका 10वीं सत्यापन, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तब आप जाकर आपका सिलेक्शन होते हैं। तो इस तरह होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे भरना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन पोस्ट का जो पोर्टल है इसका लिंक वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी सर्विस अवेलेबल दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं आपको बता दूंगा जैसे नेक्स्ट वीडियो में कल की डेट में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, आपको फीस पेमेंट कैसे करना है, ये जानकारी अब आपको बता दूंगा। तो ये है दोस्तों, और जैसे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।